पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी 124वीं वर्षगांठ मनाई। लाला लाजपत राय ने 1895 में इसकी स्थापना की थी। इसके तहत सभी 6983 शाखाओं द्वारा 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ और मजबूती से जुड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय लिया। मंडल कार्यालय हमीरपुर तथा अग्रणी जिला कार्यालय ऊना में इस उपलक्ष पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मंडल प्रमुख सुबोध काला द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर से एमओ डॉक्टर शगुन सहित अस्पताल का कुछ अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहा। इसके अतिरिक्त शाखा कार्यालय हमीरपुर एवं शाखा कार्यालय बचत भवन में स्वास्थ्य जांच शिविर तथा ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों एवं पंजाब नेशनल बैंक के सभी स्टाफ द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। हमीरपुर मंडल के अंतर्गत तीनों जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना की सभी शाखाओं द्वारा स्थापना दिवस पर अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सम्मानित किया गया तथा शाखा कार्यालय सुजानपुर, टिहरा, जाहू, पटौनी देवी में पेंशनर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख सुबोध काला ने बैंक के इतिहास एवं प्रगति पर प्रकाश डाला। पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर के मंडल प्रमुख सुबोध काला ने बताया कि बैंक ने अपनी 124वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर हर शाखा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि पीएनबी बैंक 124 वर्ष में लगभग 10 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ चुका है। उन्होंने बताया कि वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 124 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। वहीं कार्यक्रम में पीएनबी लाडली के तहत स्कूल की बच्चियों को स्कूल बैग और स्कॉलरशिप भी दी गई। पीएनबी बैंक अपने ग्राहकों को हर सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पीएनबी से शुरुआत से जुड़े ग्राहकों को सम्मानित भी किया गया। पंजाब नेशनल बैंक आज अपने स्थापना के 124वां वर्षगांठ मना रहा है। सन 1895 में लाला लाजपत राय ने जब इस बैंक की नींव रखी और एक पूर्णतः स्वदेशी बैंक को आगे लेकर चले, तो आज उस लंबी जर्नी में पंजाब नेशनल बैंक ने 124 साल पूरे कर लिए हैं। मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से, पीएनबी परिवार की ओर से, अपने सभी ग्राहकों का, अपने सभी स्टेक होल्डर्स का और उन सभी लोगों का जो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज 124वीं वर्षगांठ पर पूरे पंजाब नेशनल बैंक में हर शाखा में, हर ऑफिस के अंदर कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे पंजाब नेशनल बैंक हर उस ग्राहक से जुड़ा रहे, उस ग्राहक तक पहुंचे, जिस ग्राहक के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी इस जर्नी को आगे कंप्लीट किया है। पंजाब नेशनल बैंक पिछले 124 साल के अंदर लगभग 10 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ चुका है। हमारी 7000 शाखाओं के माध्यम से हम सर्विस, सभी ग्राहकों को सर्विस दे रहे हैं। आज जो हमारे हमीरपुर मंडल के अंतर्गत हमारे जो कार्यक्रम हुए थे, उसमें सबसे पहले रक्तदान शिविर हमने दो जगह किया था, हमीरपुर मंडल कार्यालय में और उसके साथ साथ ऊना एडीएम ऑफिस के अंदर। दोनों जगह से मिलाकर हमने 124 यूनिट आज ब्लड एकत्र किए। इसके साथ साथ ही हमने दो जगह पर आज हमने मेडिकल, फ्री मेडिकल चेकअप रखा था, हमीरपुर के अंदर बचत भवन हमीरपुर और हमीरपुर शाखा के अंतर्गत। हमारी सभी हमीरपुर मंडल की 94 शाखाएं अपने सभी ग्राहकों से आज जुड़कर और अपने सबसे पुराने पहले ग्राहक को आज सम्मानित भी कर रही हैं। हमारा प्रयास है कि हम और ज्यादा अपने ग्राहकों से जुड़े, उन सब लोगों को ऑनर करें जो इस जर्नी में पंजाब नेशनल बैंक के साथ यहां तक आए हैं। हमारी सभी शाखाओं ने आज अपने ग्राहकों के साथ एक मिलन समारोह भी रखा हुआ है, संपर्क समारोह भी चल रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत आज हमने लाडली का प्रोग्राम रखा, जो पीएनबी लाडली के अंतर्गत बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को हमने स्कॉलरशिप और बैग दिए, यहां भी दिए और ऊना एलडीएम ऑफिस में भी दिए हैं। ये सारी गतिविधियां आज हम अपने 124वें वर्षगांठ के ऊपर कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि पीएनबी सिर्फ एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसी सीएसआर एक्टिविटीज के तहत हम ग्राहकों से जुड़े रहते हैं। पिछले साल के अंतर्गत भी हमने लगभग 600 बच्चियों को अडॉप्ट किया था, उनको हमने बैग भी दिए, उनको हमने ऐसे स्कॉलरशिप भी दिए थे। इसके साथ ही हमने लगभग 400 बच्चों को, जो किसान बालक प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत भी हमने उनको स्टाइपेंड दिए थे, लड़के और लड़कियों को। साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक ने पीछे स्वच्छता अभियान भी किया, जिसमें हमीरपुर बस स्टैंड के ऊपर तथा विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत आने वाले प्रोमिनेंट एरियाज को वहां पर स्वच्छता आंदोलन चलाया और कोशिश ये की कि प्रदेश को हम स्वच्छ रखें। हमारा प्रयास ये भी है कि हम प्रदेश को हरा भरा रखें और उसके लिए हमने 2000 से ज्यादा पौधे भी लगाए। हम इन सभी गतिविधियों को पूरा साल भर करते रहते हैं,
और ये पिछले साल की जो गतिविधियां थी जो मैंने आपसे शेयर करी, ऐसे ही कार्यक्रम इस आने वाले वर्ष के दौरान भी किए जाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सभी ग्राहकों से पर्सनली जुड़े, सभी ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सके, और अच्छे से अच्छा प्रयास ये रहेगा कि सभी बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से हर ग्राहक को अपनी उस स्कीम से जोड़े जिसके लिए किसी भी ग्राहक को किसी प्रकार की आवश्यकता हो।